पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं. इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं. गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं. और तो इट वाज एन ऑर्गेनिक यू नो इंटीग्रेशन. यहाँ तो आना ही था और शो बड़ा अच्छा है. नो वी हैवंट विजिटेड एनी रियलिटी शो. नहीं नहीं, वी नॉट डन एनी रियलिटी. हम लोग इस बार कोई रियलिटी टीवी शोज नहीं कर रहे हैं. बट आई थिंक नहीं, जो इंटीग्रेशन इस फिल्म में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उस वी आर ओनली चूजिंग टू बी विद दोज शोज जिसका थीम कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आसपास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से. और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है and he felt how it can be integrated. It's a win-win for both, I think. So I think what it really helps, I think television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people, aapki kahani batane ke liye, rather than going on to dance shows and music shows, I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. Intense days the, par main nahi kahungi ki tough koi days the, and that's thanks to Mohit. Isiliye nahi kyunki ye mere saath baithe hain, par inhone bahut pyar se kaam karwaya hum sabhi se, to thakan mehsoos nahi hui. Halanki is film mein honi chahiye thi kyunki itni intensity wali film hai, par wo as a director I think he knows how to handle his actors. Kabhi bahut intense scene kar lete to agle din thoda sa kam intense kuch karwa lete, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है. और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं. लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स. सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो. एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ. जैसे ये शो मैंने देखी है और वो लड़की मुझे बहुत चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है शो में एंड उसका मैं एक हिस्सा हूँ बस.